देखो, जब भी हम काम करते हैं अपनी बॉडी पे, या तो करते हैं इमीडिएट रिजल्ट के लिए, यानी कि फटाफट से हमको अच्छा फील होने लग जाए तो हम खुश होने लग जाते हैं, अगले दिन करते हैं इतना अच्छा फील नहीं होता फिर हम उसको करना छोड़ देते हैं। तो आपको कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा, डू यू वांट टू नो दैट या नहीं, आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, देखो बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। कोई भी आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो उसका जो असर आएगा आपके ऊपर, पहले तो ये समझ लो कि एक गुड पेन होता है, एक बैड पेन होता है। गुड पेन मतलब क्या, कि आपने स्ट्रेच किया, अभी एक पार्ट में पेन आ रहा है, जैसे ही आपने वो स्ट्रेच करना बंद किया वो पेन आना बंद हो गया, दिस इज गुड पेन। एक है आपने कुछ उल्टा सीधा स्ट्रेच कर दिया और उसके बाद भी वो पेन बढ़ता जा रहा है, दैट इज बैड पेन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड पेन एंड बैड पेन। अब इसमें एक और मजेदार बात आपको बताता हूं कि हमारी जो बॉडीज है वो हर मोमेंट में चेंज हो रही है, डेली चेंज हो रही है। तो आज अगर आप कुछ एक्सरसाइज करोगे, उसका पेन आ रहा है मान लो इस जगह पे, तो आप कल करोगे कहीं और आने लग जाएगा, मतलब वो पार्ट अब खुल गया है, तो अब आपको पता लग गया मैं थोड़ा सा डीपर जा रहा हूं। अगर आप डेली एक एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली वहीं पे पेन आ रहा है जहां पर एक साल पहले आ रहा था, इसका मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे गए ही नहीं हो, आप वहीं घूम रहे हो गोल 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 गोल, जैसे खच्चर होता है ना, गोल 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 घूमता है ना, उसको बांध दिया जाता है, बस वहीं घूमता रहता है, उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, वो वहीं है जहां पर 10 साल पहले था, वहीं गोल 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 घूम रहा है। तो पेन मस्ट शिफ्ट, आप समझ गए, वो शिफ्ट होना चाहिए, वहां से हटके वहां पे पेन होना बंद हो गया और नीचे कहीं पे आया, फिर कहीं और आया, फिर कहीं और। तो अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है, अब मैं डीपर लेयर्स में पहुंच रहा हूं अपनी बॉडी की। पेन शिफ्ट होता है, और शिफ्ट तभी होगा जब आप एक किसी भी पोज को होल्ड करोगे फॉर एटलीस्ट अ मिनट। और मिनट होल्ड करने का मतलब क्या है वो जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा। सिंपल हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना कभी एक मिनट के लिए, आपको पता लगेगा होल्ड कहते किसे हैं। मतलब सिंपल कह रहा हूं मैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड आसन नहीं करके चक्रासन में एक मिनट तक रहना, ना जी, शुरू करो यहां से भी, जाओगे जैसे ही बाहर एक ऊपर हाथ करके, स्ट्रेच तो करना चाहिए ना बैठे हुए एक घंटे तक, तो बस हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना आराम से स्ट्रेच करके, एक मिनट काउंट करना, आपको पता लगेगा व्हाट इज दिस वन मिनट। कभी कभी क्या होगा, आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा ये करने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से। कभी कभी बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा होगा, चाहे मन कर रहा है चाहे बहुत अच्छा लग रहा है, करना है तो करना है। एट टाइम्स यू विल गेट लॉट ऑफ प्लेजर फ्रॉम इट, इतना प्लेजर मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपको पता नहीं है इसकी डेप्थ क्या है, कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी, और एक बार आपकी बॉडी फिट होती चली जाती है, तो क्या होता है, एनर्जी जो है वो पूरा प्रॉपरली फ्लो कर रही होती है। ऐसी एनर्जी होगी कि आप कहोगे कि हो क्या रहा है, सुबह उठोगे एकदम एनर्जी से भरे हुए हो, पूरे दिन एनर्जी से भरे हुए हो, मतलब कुछ कमाल की ही एक अंदर एक फीलिंग हो रही है, तो इस फीलिंग की वजह से खुश नहीं होना है, समझ गए, खुश नहीं होना है, फंस जाओगे बुरे तरीके से, क्योंकि इस फीलिंग से अगर आप खुश हुए तो हो सकता है अगले दिन ये फीलिंग ना हो, फिर आप उसको करना छोड़ दोगे। तो चाहे कैसी भी फीलिंग हो रही है, अगर आप इस तरह से चले जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, तो 2-3 साल में क्या होगा कि आपने अच्छी फीलिंग्स को भी छोड़ते गए, बुरी को भी छोड़ते चले गए, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस किया, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेच डीपर होता चला जाएगा, मसल्स अंदर से स्ट्रांग होती चली जाएंगी, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और तब भी आप एनर्जी को नहीं पकड़ोगे, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करोगे, तो आपकी बॉडी कमाल की बनती चली जाएगी।